नमस्कार दोस्तों, ट्रिगर ट्रेवल व्लॉग्स के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि इस वर्ष 2023 में आप हेलीकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ धाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। दोस्तों, इस वर्ष केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से थोड़ी सी महंगी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस वर्ष 2023 में आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको अधिक राशि खर्च करनी होगी। चारधाम यात्रा के दौरान इस वर्ष हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा महंगी हो गई है। 3 साल बाद हेली कंपनीज ने किराए में बढ़ोतरी की है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3 सालों से केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर के किराया नहीं बढ़ाया गया था। इसमें 2 साल तो कोविड की वजह से यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन पिछले साल किराए में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जो कि इस वर्ष कर दी गई है। केदारनाथ धाम के लिए दोस्तों गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा, ये तीनों जगह से हेलीकॉप्टर की सेवा का संचालन किया जाता है। सिरसी और फाटा से 4 हेली कंपनीज को हेली सेवा संचालन के लिए इस वर्ष चयन किया गया है। इसमें फाटा से पवनहंस और कैटरल एविएशन, ये 2 कंपनीज को चुना गया है, और सिरसी से हिमालयन हेली और कैटरल एविएशन, इन दोनों कंपनीज को चुना गया है। इनके माध्यम से आपको हेलीकॉप्टर की सेवा ये दोनों जगहों से प्रदान की जाएगी। तो अब आपको बताते हैं कि सिरसी और फाटा, ये दोनों जो जगह है जहाँ से आपको हेली सेवाएं प्रदान की जाएंगी, उनका आपको कितना किराया देना होगा इस वर्ष। फाटा से केदारनाथ के लिए हेली सेवा से आने और जाने दोनों का किराया प्रति यात्री 5,500 रुपये तय किया गया है। ये किराया पिछले वर्ष की तुलना में 780 रुपये प्रति यात्री अधिक है। सिरसी से केदारनाथ के लिए हेली सेवा से आने और जाने का किराया प्रति यात्री 5,498 रुपये तय किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 818 रुपये प्रति यात्री अधिक है। ये तो बात रही दोस्तों कि फाटा और सिरसी, ये 2 जगह से यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो उनका क्या किराया रहेगा। जो गुप्तकाशी है, गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का कितना किराया होगा, और इसके बारे में अभी गवर्नमेंट ने कोई अपडेट नहीं दिया है। अभी गुप्तकाशी से कौन सी कंपनीज हेली सेवा प्रदान करेंगी और इनका क्या किराया रहेगा, अभी इसकी पूरी प्रोसेस चल रही है। जैसे ही इसका अपडेट आएगा हम आपको उसकी जानकारी जरूर देंगे, तो इसके लिए चैनल पर हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और है, और वो खुशखबरी ये है कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर की सेवा के लिए जो टिकट्स की बुकिंग है उसकी बुकिंग्स अप्रैल के 1st वीक से शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के लिए टिकट्स की बुकिंग अप्रैल की 1st वीक से शुरू हो जाएंगी। इसमें दोस्तों हेलीकॉप्टर टिकट्स की बुकिंग से रिलेटेड एक और जानकारी आपके लिए है, वो ये है कि जो केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की टिकट्स की जो बुकिंग है पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अभी तक व्यवस्था थी कि 70% टिकट्स जो है वो बुकिंग उसकी ऑनलाइन और 30% टिकट्स की बुकिंग ऑन द स्पॉट यानी मौके पर की जाती थी, लेकिन अब इस वर्ष 2023 से इस व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा रहा है, यानी कि आपको सारे टिकट्स ऑनलाइन ही बुक करने होंगे। 70% टिकट्स तो आप घर बैठे ही बुक कर सकते हैं, बाकी के जो 30% टिकट्स रहेंगे उनकी बुकिंग रेलवे की तत्काल व्यवस्था के अनुसार होगी। जो यात्री गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा, इनके हेलीपैड्स पर पहुंचकर बुकिंग करना चाहते हैं, उन्हें उसी दिन IRCTC की वेबसाइट से तत्काल ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से टिकट्स जारी किए जाएंगे। ये व्यवस्था पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर रहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में यही कुछ अपडेट्स थे आपके लिए। आगे जो वीडियो आने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है चैनल पे, उसमें मैं आपके लिए पूरी डिटेल में जानकारी लेकर आऊंगी कि केदारनाथ धाम की यात्रा आप हेलीकॉप्टर से कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में चार धाम यात्रा और केदारनाथ धाम की यात्रा से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको चैनल पर टाइम पर मिलते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें दी हुई जानकारी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।